हेलो एवरी वन एंड वेरी वन वेलकम टू शिक्षा गाइज इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट का पार्ट टू है एंड लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग इट बिफोर डिस्कसिंग इट लेट मी टेल यू कि अगर आप ना बाट ग्रेड ए का पेपर दे रहे हो या कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम देकर दे रहे हो आई बी पी एस सी एफ ओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो टू थाउजेंड प्लस डिटेल्ड एम सी क्यूज हैं एग्रीकल्चर के जिसके अंदर डिटेल्ड सोल्यूशन है नॉन वीडियो कोर्स है लेकिन सोल्यूशंस को इस तरीके से फ्रेम किया गया कि आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएंगे प्लस हैंड होल्डिंग सपोर्ट है इसके अंदर अगर आप कोर्स में आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी एंड पे तो हमारा जो सपोर्ट है वो आपके लिए अवेलेबल है एंड काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स उसके अंदर रहता है फिफ्टी फाइव नाइन्टी नाइन का बेटा बेसिकली ये कोर्स uh, है और काफ़ी अच्छा प्राइस है और ये टू थाउजेंड प्लस एम जब मैं बोल रहा हूँ अगर इसके अंदर दो हज़ार भी हुए वैसे दो हज़ार ज्यादा होंगे लेकिन अगर दो भी हुए तो ये 2000 हजार एम सी क्यू भी आपको जो बेनिफिट देंगे वो डबल क्वेश्चन का देंगे क्योंकि हमारे एम सी क्यूज इस तरीके से हम फ्रेम नहीं करते हैं कि बस एक ही टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बनाते गए घुमा घुमा करके एंड अल्टीमेटली एवरी क्वेश्चन विल भी न्यू एवरी क्वेश्चन विल भी डिफरेंट ओके सो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर इट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है और इसका एक फ्री टेस्ट भी है वो डला हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं पी डी एफ हर लेक्चर की टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल हो जाती है लिंक डिस्क्रिप्शन में सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट के पार्ट टू के अंदर हम सबसे पहले कवर करेंगे फॉरेस्ट कवर इन ऑल्टीट्यूड जोन्स बहुत लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन हमको इसके अंदर कवर करनी है ऑल्टीट्यूड जोन्स बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स होते हैं और ऑल्टीट्यूड जोन बेसिकली जब हम बात करते हैं जीरो टू फाइव हंड्रेड मीटर या फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड मीटर तो हम जो ये लेवल देखते हैं वो किससे होता है मीन सी लेवल से जिसको हम एम एस एल भी बोलते हैं तो अब इसके अंदर क्या क्या मेरे को याद करना है देखो ये जो रिपोर्ट्स होती है ना इनके अंदर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो कि क्या आपको याद करना है क्या आपको नहीं याद करना तो बेसिकली इंडिया का जो जंगल है तो आप देखोगे कि जो मेजोरिटी जो शेयर है फॉरेस्ट का टोटल फॉरेस्ट कवर का जो मेजर परसेंटेज है वो जीरो टू फाइव मीटर के अंदर है 53.52 परसेंट अब इसके अंदर मेरे को याद क्या रखना है मेरे को ना बस थोड़ा सा एक आइडिया रखना है कि जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे जो परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज कर रहा है ठीक है तो जीरो से 500 मीटर के अंदर सबसे ज्यादा जंगल है ये वाला एक पॉइंट आपने याद रखना फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑल्टीट्यूड जोन द परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर इज मैक्सिमम ऑप्शन ए जीरो टू फाइव हंड्रेड मीटर ऑप्शन बी फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड मीटर सी वन थाउजेंड टू टू थाउजेंड डी टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड इन एन ऑफ दफ तो उसके अंदर काम आएगा आपको ठीक है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तो सिर्फ इतने एरिया के ऊपर ही फोकस करें ये परसेंटेज ऑफ जी एंड ऑल ये सब ये सारी चीजें इग्नोर कर दें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखें कि जीरो तो टू फाइव हंड्रेड मीटर के अंदर फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव टू परसेंट फॉरस्ट कवर है उसके बाद सिटीज़ के ऊपर आ जाओ अब सेंसस 2011 के अंदर एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं अर्बन एग्लुमरेशन अर्बन एग्लुमरेशन कौन से होते हैं जहां पर जो आबादी है वो 10 मिलियन से ज्यादा है यानी कि एक करोड़ से ऊपर की आबादी है अब इंडिया की करंटली अगर हम बात करें पांच मेजर मेगा सिटीज़ हैं जिसके अंदर ग्रेटर मुंबई डेली कोलकाता बेंगलुरु और चेन्नई आ जाता है अहमदाबाद और हैदराबाद भी दो काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग सिटीज हैं बट अभी करंटली वो अर्बन एग्लुमरेशन के अंदर नहीं आते हैं अब फॉरेस्ट असेसमेंट इनके लिए भी किया गया मेगा सिटीज़ के अंदर किस तरह का कवर है वो देखा गया तो इन सात सिटीज़ को देखा गया एंड टोटल जो फॉरेस्ट कवर है इन सात मेजर सिटीज़ के अंदर जो आपके पांच अर्बन एग्लोमेशन है प्लस अहमदाबाद एंड हैदराबाद तो इनके अंदर जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है फाइव स्क्वायर किलोमीटर और बेसिकली Uh, in in टोटलेश्वेंटी ट्वेंटी के अंदर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है ऑप्शन में दे देगा मुंबई डेली कोलकाता बेंगलुरु चेन्नई तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा वहां पर आपका आंसर हो जाएगा डेली ठीक है उसके बाद मुंबई और बेंगलुरु है ये आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है बस इतना याद रखिएगा कि डेली मुंबई एंड बेंगलुरु टॉपर्स इसके याद कर लीजिएगा वो सफिशियंट है ठीक है फॉरेस्ट कवर इन मेजर सिटीज अब यहाँ पर परसेंटेज चेंज भी दिखाया गया है डिकेडल चेंज अब इसके अंदर बेसिकली ए, दस साल के अंदर जो चेंज आया वो देखने को हमें मिलता है तो इसके अंदर अब मुझे क्या याद रखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम सबसे ज्यादा अगर आप दस सालों के अंदर देखते हो तो फॉरेस्ट गेन सबसे ज्यादा किस सिटी ने किया है अगर हम इन सात सिटीज को देखते हैं तो सात सिटीज में बेटा सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट गेन किया है वो हैदराबाद ने किया है अगर आप हैदराबाद को देखोगे हैदराबाद ने वन फोर्टी सेवन परसेंट जो है फॉरेस्ट गेन किया है दस सालों के अंदर सिमिलरली सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉस कहां पर हुआ है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉस अगर आप देखोगे तो वो अहमदाबाद के अंदर हुआ है जहां पर फोर्टी एट परसेंट का फॉरेस्ट लॉस हुआ है दस सालों के अंदर तो अगेन यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सिटी के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट गेन हुआ है हैदराबाद के अंदर हुआ है और किस सिटी ने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लॉस किया है उसमें आपका अहमदाबाद हो गया बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे लेकिन अल्टीमेटली आंसर तभी हो पाएंगे जब आप कर पाओगे अब इसका पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा लेकिन अल्टीमेटली या तो आप पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करने के बाद यहाँ पर अपना लाइन लिखो या फिर आप अपना नोट बनाओ अब अगर मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो मैं कैसे इसका नोट बनाऊंगा इस स्लाइड के ऊपर जो मेरा नोट बनना चाहिए पॉइंट नंबर वन लार्जेस्ट लॉस इन अ डिकट हैदराबाद वैसे तो परसेंटेज वो पूछेगा नहीं फिर भी मैं रेफरेंस के लिए लार्जेस्ट uh, लॉस uh, नहीं सॉरी लार्जेस्ट गेन ठीक है लार्जेस्ट गेन वैसे तो परसेंटेज मैंने कहा कि वो नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी मैं रेफरेंस के लिए इस तरीके से अपने नोट्स में लिख लूंगा और दूसरा पॉइंट मैं नोट कर लूंगा लार्जेस्ट लॉस इनर डेकेट अहमदाबाद ठीक है और रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर भी अपना पॉइंट लिख लूंगा ठीक है इस तरीके से नोट्स जो है जनरली बनाए जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा मैंग्रोव का तो मैंग्रोव बेसिकली आप जानते हो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में इंटर टाइडल जो रीजन होते हैं वहां पर आपको मिलते हैं और हाई रेनफॉल एरियाज के अंदर जहां पर टेम्परेचर ट्वेंटी से थर्टी डिग्री सेल्सियस होता है वहां पर आपको मेनली मिलते हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो मैंग्रूव इकोसिस्टम की इंडिया में मिलती है जिनका जिक्र जो है वो इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट में था वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो कई बार पूछ लेता ना फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लेगा कि जो राइजोफोरा न्यूक्रॉन है ये किसका स्पीशीज है ऑप्शन ए मैंग्रोव का है बी राइस का है सी किसी वीड का एग्जाम्पल दे देगा ठीक है तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये सारे नाम जितने भी लिखे हैं ये आपको याद होने चाहिए कि ये मैंग्रोव के अंदर है अब अगर हम स्टेटस देखें मैंग्रोव कवर का पूरी दुनिया में तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ट्वेंटी ट्वेंटी की ये रिपोर्ट असेसमेंट है तो ये क्या कहती है कि पूरे दुनिया के अंदर एक सौ तेरह देश हैं जिनके पास मैंग्रोव फॉरेस्ट है और अराउंड फोर्टीन पॉइंट सेवन नाइन मिलियन हेक्टेयर जगह कवर करते हैं पूरे वर्ल्ड में याद करने की जरूरत नहीं है इसमें कुछ भी अब नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको थोड़ा याद होना चाहिए लार्जेस्ट जो मैंग्रोव एरिया है ये एशिया के अंदर है अराउंड फाइव पॉइंट फाइव मिलियन हेक्टेयर ठीक है अभी मैंने जैसे क्वेश्चन भी डाला है अपने 2000 प्लस एमसीक्यू के अंदर कि किस रीजन में पूरी वर्ल्ड में किस रीजन में सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर है ऑप्शन ए एशिया ऑप्शन बी अफ्रीका ऑप्शन सी नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका ऑप्शन डी साउथ अमेरिका इस तरीके से ठीक है और सेकंड नंबर पर आता है अफ्रीका पर सेकेंड नंबर का कोई नहीं पूछने वाला फर्स्ट नंबर का ही पूछते हैं और ये एरिया भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है आपको बस ये याद रखना है कि एशिया में सबसे ज्यादा है ओके ओशानिया के पास सबसे कम एरिया है मैंग्रोव्स का एंड oh, right. जो टोटल मैंग्रोव कवर है ना वो सिर्फ चार देशों के अंदर मिलता है इंडोनेशिया ब्राजील नाइजीरिया और मैक्सिको अब इसमें से देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैज द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर तो उसके अंदर आपका आंसर आ जाता है इंडोनेशिया क्योंकि इंडोनेशिया के पास दुनिया के नाइनटीन परसेंट मैंग्रोव है ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन यहाँ पर फॉर्म होता है अब अगर हम मैंग्रूव की बात करें तो मैंग्रोव में इंडिया भी काफी रिच है सुंदरबंश जो बेसिकली आपका बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर लोकेटेड है ये दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पैच ऑफ मैंग्रोव ठीक है सिंगल कंटिन्यूअस पैच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया का सबसे बड़ा अराउंड टेन थाउजेंड स्क्वायेर किलोमीटर इसका एरिया है और बांग्लादेश और इंडिया दोनों के अंदर आता है सुंदरबन वन ऑफ द फर्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया का नॉन मैंग्रोव फॉरेस्ट और ये बहुत जल्दी इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर ले आए थे अंग्रेजों के समय में एटीन नाइनटी के अंदर एंड मैंग्रोव की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करते हुए भारत सरकार ने एक नेशनल मैंग्रोव कमेटी भी बनाई थी 1976 में इस मैंग्रोव कमेटी का क्या काम है कि ये सरकार को एडवाइस करती है जो भी मैंग्रोव की कंजर्वेशन और डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं उसमें सरकार को एडवाइस करने का काम करते हैं मैंग्रोव कवर की अगर इंडिया में बात करें तो मैंग्रोव कवर अगर आप देखोगे तो अगेन जैसे हमने फॉरेस्ट को क्लासीफाई किया है वेरी डेंस मॉडरेटली डेंस ओपन कैटेगरी वैसे ही हमने मैंग्रोव को भी कैटेगराइज किया हुआ है ओके ऑल राइट right. तो अगर आप अब करंट असेसमेंट देखते हो तो करंटली इंडिया के अंदर जो मैंग्रोव कवर है वो अराउंड फोर नाइन नाइन टू स्क्वायेर किलोमीटर का है याद करनी पड़ेगी बेटा वैल्यू और अगर आप टोटल जोग्रफिकल एरिया के हिसाब से भारत के पूरे जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से परसेंटेज देखते हो तो पॉइंट है ये भी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी डायरेक्टली पेपर में पूछ सकता है इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम शेयर है मैंग्रोव के अंदर अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो वो आपका मॉडरेटली सॉरी uh, वो आपका ओपन मैग्रूव्स के अंदर आता है ओपन मैंग्रोव में सबसे ज्यादा शेयर है 40.78 परसेंट का तो ये भी आपको याद रखना है कि ओपन मैंग्रोव का जो है सबसे ज्यादा शेयर है और राइट इसके बाद अगर हम बात करें कि 2019 की रिपोर्ट के मुकाबले 2021 में क्या चेंज आया तो 2019 के मुकाबले 2021 में इंक्रीज हुआ है ये याद रखना है कि इंक्रीज हुआ है और कितने से इंक्रीज हुआ है ये भी आपको याद रखना है ठीक है एंड जो इंक्रीज हुआ है सत्रह स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ और इंक्रीज सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है उड़ीसा के अंदर हुआ है उड़ीसा के अंदर तो ये भी याद रखना है कि उड़ीसा के अंदर हुआ है आठ स्क्वायर किलोमीटर का सबसे ज्यादा यही है आठ स्क्वायर किलोमीटर याद रखना जरूरी नहीं है लेकिन उड़ीसा याद रखना जरूरी है अब अगर हम मैंग्रोव कवर की बात करें इंडिया के अंदर तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव अब ये टेबल के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं ठीक है ये पूरे का पूरा टेबल ऐसा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अब सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर अगर मैं बोलू कि कौन सी स्टेट के अंदर है तो अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव कवर आपको वेस्ट बंगाल के अंदर मिलता है तो आप पॉइंट किस तरीके से बना लोगे लार्जेस्ट मैंग्रोव वेस्ट बंगाल ठीक है गेन मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा उड़ीसा के अंदर हुआ है वो वाला पिछला पॉइंट कवर हो गया है अब लॉस सबसे ज्यादा किसके अंदर हुआ है लॉस आपको देखने को मिलेगा कि एक ही स्टेट है जिसमें लॉस हुआ है बाकी में या तो गेन हुआ है या तो इंक्रीज हुआ है ऑल राइट right, तो लॉस के लिए भी आप एक पॉइंट नोट कर लोगे सेकेंड पॉइंट लॉस किसमें हुआ है गुजरात में हुआ है ठीक है।, है तो ये दो पॉइंट आपको जो है वो याद रखने हैं ऑलराइट right, सबसे ज्यादा किसके पास है वेस्ट बंगाल के पास है ऑल

तो रॉयल बंगाल टाइगर बॉटनिकल नेम पेंथेरा टेगरेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कार्निवर एनिमल है और इसको की स्पीशीज़ कंसीडर किया जाता है की स्पीशीज़ किसी भी स्पीशीज़ को हम कब कंसीडर करते हैं या अम्ब्रेला स्पीशीज़ हम टर्म यूज़ करते हैं तो वो किसी भी स्पीशीज़ के लिए कब यूज़ करते हैं जब उस एक जानवर की कंजर्वेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर पूरे का पूरा जंगल डिपेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल अगर जंगल में शेर नहीं है शेर नहीं है टाइगर नहीं है लायन नहीं है तो अल्टीमेटली क्या होगा हरबी बोर्स जो है पेड़ पौधे खाने वाले घास खाने वाले जो जानवर हैं उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा ठीक है तो अम्ब्रेला स्पीशीज जो है वो बड़ी सारी चीजों को रेगुलेट करता है एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आता है रॉयल बंगाल टाइगर का जो स्टेटस है और नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है रॉयल बंगाल टाइगर इट वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनिमल इन नाइनटीन कई बार वो इस तरह के बड़े ईजी से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और मैं आपको एक बात बताऊँ ये इजी ही ऐसे हैं जो अल्टीमेटली बच्चों से होते नहीं है सबसे कम आ, होने वाले अगेन इंपॉर्टेंट कार्निवो ये भी आपका एक अम्ब्रेला स्पीशीज है और इंडिया के अंदर मेनली जो इसका हैबिटेशन है ये आपको गिर एरिया ऑफ गुजरात के अंदर ही मिलता है जो एशियाटिक लाइन है और कहीं नहीं मिलेगा एंडेंजर्ड स्पीशीज है रेड लिस्ट के ऊपर अब टाइगर सेंसस की बात कर लेते हैं तो टाइगर की आप जानते हो कि कंजर्वेशन को बहुत एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस uh, uh, जो है वो दी जाती है इंडिया के अंदर और इंडिया में टाइगर सेंसस भी कंडक्ट किया जाता है हर चार साल के अंदर पहला टाइगर सेंसस कंडक्ट किया गया था 2006 के अंदर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको कंजर्व uh, करती है आपको कई बार लग रहा होगा शायद ये वीडियो देखते हुए कि सर आप ये बीच बीच में कहाँ आ रहे हो बेटा ये हम ना uh, जो फ्लो रिपोर्ट का है ना उसी रिपोर्ट के फ्लो से चल रहे हैं अगर रिपोर्ट के अंदर सिर्फ मैं जंगल डिस्कस करने नहीं आया ना कि इतना परसेंटेज जंगल और वो रिपोर्ट के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो यहाँ पर डाले हुए हैं ठीक है तो इसीलिए ताकि आपकी कवरेज जो है वो वाइड हो जाए तो पहला टाइगर सेंसस कब हुआ था दो के अंदर हुआ था एन ने कंडक्ट किया था ठीक है इसके अंदर स्टेट डिपार्टमेंट्स एन वगैरह सब पार्टिसिपेट करते हैं एंड अल्टीमेटली अब ये हर चार साल के इंटरवल पे कंडक्ट किया जाता है ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पूछ सकता है कि पहला टाइगर सेंसस कब हुआ था या कितने इंटरवल पे टाइगर सेंसस कंडक्ट किया जाता है जो चौथा अभी जो लेटेस्ट वाला है वो 2018-19 के टाइम पर कंडक्ट किया गया था और पहला जो सेंसस था यानी कि दो वाला और अभी वाला जो सेंसस था दो में हमारे पास वन फोर टाइगर्स थे और दो जो अट्ठारह उन्नीस में हुआ जो चौथा था इसमें अराउंड टू टाइगर्स हमारे पास निकल करके आते हैं सबसे ज़्यादा टाइगर जो रिजर्व हैं इंडिया के अंदर वो दो स्टेट्स के अंदर हैं एम और महाराष्ट्र इन दोनों के पास छः छः टाइगर रिजर्व हैं और अगर अब हम बात करें लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व की ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनको बड़े ध्यान से कर लीजिएगा ये पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के अंदर फॉलोड बाय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सेकंड नंबर पर मानस आता है आसाम में और इंद्रावती आता है छत्तीसगढ़ में ये एज सच आपको एरिया याद करने की जरूरत नहीं है ये सिर्फ रेफरेंस के लिए स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है औरंग टाइगर रिजर्व आसाम के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कौन सी टाइगर रिजर्व में मिलते हैं वो मिलते हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर फॉलोड बाय नगर होल एंड बंदीपुर और ऐसे भी कुछ टाइगर रिजर्व हैं जहां पर टाइगर मिलते ही नहीं है लेकिन अब वो है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड है दाम्पा बक्सा और पलामू टाइगर रिजर्व ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां पर कोई भी टाइगर रिपोर्टिंग नहीं हुई है टाइगर डेंसिटी की बात करें टाइगर डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि, कि कितने टाइगर हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कि 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने टाइगर मिल रहे हैं तो सबसे ज्यादा टाइगर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट डेंसिटी है टाइगर की वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है कॉर्बेट के अंदर हर सौ स्क्वेयर किलोमीटर में ऑन एन एवरेज आपको चौदह टाइगर मिलेंगे फॉलोड बाय काजीरंगा एंड नगर लोएस्ट टाइगर डेंसिटी है अमराबाद टाइगर रिजर्व के अंदर जहां पर सिर्फ 0.19 की टाइगर डेंसिटी है पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर ओके okay, अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो आंध्र प्रदेश के नागार्जुना सागर श्री टाइगर रिजर्व के अंदर है फॉलोड बाई इन उड़ीसा एंड इंद्रावती इन छत्तीसगढ़ ओके okay, उसके बाद अगर अब एक तो हो गया कि सबसे ज्यादा जंगल किस टाइगर रिजर्व के अंदर है एक हो गया कि उस टाइगर रिजर्व के साइज के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज समझ रहे हो ना परसेंटेज एज पर द साइज ऑफ टाइगर रिजर्व तो उसके अंदर आ जाता है आपका पाके इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश के पाके का नाइंटी सिक्स पॉइंट एट थ्री परसेंट फॉरेस्ट कवर के अंदर तो मध्य प्रदेश में सिम्बलीपल उ में काली कर्नाटका में डंपा मिजोरम में बट पहले वाला ही इंपॉर्टेंट होता है ठीक है वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा सिम्बलीपल टाइगर रिजर्व के अंदर है वेरी डेंस फॉरेस्ट फोर्टी अगेन परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है मीडियम डेंस फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा एरिया नागार्जुना सागर के अंदर है ठीक है और ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा आपका अमराबाद टाइगर रिजर्व के अंदर है तो ये परसेंटेजेस वगैरह कुछ नहीं याद रखनी है ये मैं आपको बता रहा हूं ये जो स्लाइड्स है ना इसमें से जब आप अपने खुद के पॉइंट्स बनाओगे ना जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि बस ये 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 तो आप देखोगे कि आपका एक या दो पेज के अंदर ये पॉइंट सारे कवर हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली बहुत ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए एंड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हुएंगे चलो जी तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि पाके के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑल राइट ना नेक्स्ट इज डिकेडल चेंज इन फॉरेस्ट कवर जो डिकेडल चेंज आया है टाइगर रिजर्व के अंदर फॉरेस्ट कवर में यानी कि दो से दो के बीच में तो अगर हम टाइगर रिजर्व के अंदर बात करें तो फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है पॉइंट से दैट इज ट्वेंटी स्क्वायर किलोमीटर दो से दो में 20 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनके अंदर अपने को गेन देखने को मिलता है फॉरेस्ट कवर के अंदर लेकिन 32 ऐसे हैं जिनके अंदर लॉस देखने को मिलता है ये आपका मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर भी इस टाइप के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं सबसे ज्यादा इंक्रीज अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर को लेकर के तो किस टाइगर रिजर्व में हुआ है दस सालों के पीरियड में बक्सा के अंदर ठीक है जो आपका वेस्ट बंगाल में और इट फॉलोड बाय अन्नामलाई एंड इंद्रावती और सबसे ज्यादा लॉस जो हुआ है फॉरेस्ट कवर का इन दस सालों में वो हुआ है कवल के अंदर अराउंड हंड्रेड एंड एटीन पॉइंट नाइन सेवन स्क्वायर किलोमीटर का फॉलोड बाय भद्रा एंड सुंदरबंश फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आपके टाइगर कॉरिडोर्स टाइगर कॉरिडोर्स बेसिकली होते क्या है जैसे फॉर एग्जांपल ये दो फॉरेस्ट एरियाज हैं ठीक है बीच में से कोई सड़क वगैरह पास कर रही है तो सरकार क्या करती है वहां पर एक टाइगर कॉरिडोर बनाती है ताकि एनिमल की जो मूवमेंट है वो हिंटर ना हो तो टाइगर कॉरिडोर्स के अंदर भी फॉरेस्ट कवर को देखा गया ठीक है तो बेसिकली एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व को कनेक्ट करता है ये ऑलराइट राइट एंड अगर ये ना हो तो बेसिकली क्या होगा कि टाइगर देखो जब शेर के कहते हैं ना कि जंगल के शेर को आप बांध नहीं सकते वो बंद जाएगा और वो अगर बंद जाएगा तो अल्टीमेटली टाइगर वनरेबल हो जाता है ठीक है तो टाइगर कॉरिडोर्स की अगर हम बात करें तो टोटल जोग्रफिकल एरिया का अराउंड पॉइंट एरिया ये कवर करते हैं टाइगर कॉरिडोर्स और जो फॉरेस्ट कवर है वो टोटल फॉरेस्ट कवर का वन है ये एरियाज याद करने की जरूरत नहीं है मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ अगर डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आपको डेंसिटी मिलेगी वो मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट मिलेगा 42.51 परसेंट बस यही याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो टाइप है वो मीडियम डेंस फॉरेस्ट है टाइगर कॉरिडोर के अंदर नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे लायन हैबिटेट के ऊपर ओके okay, तो लाइन हैबिटेट एसिएटिक लाइन बॉटनिकल नेम आप कर चुके हो एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ गिर के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है बेसिकली पॉपुलेशन इसकी ऑलरेडी एंड right, गिर वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्राई डेजिडियस फॉरेस्ट के अंदर आता है कंट्री के एंड जो ये आपका गिर वाला एरिया है ये इंडो मालियन इको रीजन और बार गिर ड्राई डेजिडियस फॉरेस्ट के अंदर कवर होता है लायन सेंसर जो है वो पांच साल में होता है टाइगर चार में होता है लायन पांच में होता है और इसको कंडक्ट uh, कौन करता है गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको कंडक्ट करता है जो लास्ट सेंसर हुआ था 2020 में हुआ था और इसके अकॉर्डिंगली इंडिया के अंदर 674 सेवेंटी फोर लाइन है टोटल फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर तो 85.20 परसेंट फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलता है 2019 और 2021 के मुकाबले गिर के अंदर फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्रीज हुआ है 33.43 स्क्वायर किलोमीटर से अराउंड 2.52 परसेंट एंड डिक्रीज बेसिकली बिकॉज ऑफ वेरियस मेजर्स डेट है आपकी ग्रास होती है उसको रिमूव भी किया गया बिकॉज ऑफ इट्स एग्जॉटिक नेचर तो अभी लाइन एबीट में इतना ही करेंगे दोस्तों पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी एक कंटेंट खत्म हो गया अभी एक और लेक्चर आएगा आईएसएफ आर का प्रोबेबली दो लेक्चर्स तो उसके अंदर हम फिर आईएसएफआर को फटाफट कंप्लीट कर देंगे लेक्चर्स को छोटा रखने की कोशिश है करने को इसी में सारा करा देता बट बहुत ज्यादा लंबा हमें लेक्चर्स को नहीं रखना है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स थर्टी मिनट्स मैक्सिमम चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना ठीक है और टेलीग्राम पे तो आप मेरे साथ जुड़ ही सकते हो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप मुझे मेल भी कर सकते हो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय